एंटे उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहा है, ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 6 जगह पर वेरी हैवी और 16 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो है बालगढ़ में जारबंद में 200.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान बारीपदा में 33.4 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर का तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और कटक का 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें सीजनल टोटल रेनफॉल की तो 1 जून से अभी तक की रेनफॉल का देखें अभी तक 410.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसी के साथ जो डिपार्चर है वो अभी 12% नेगेटिव में रह गया है और अभी भी जो है 12 जगह पर डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिशिएंट कैटेगरी में बने हुए हैं। सिग्नल वेदर सिस्टम की बात करें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक झारखंड के और नेबरहुड के ऊपर बनी हुई है वो भी प्रसिस्ट कर रही है और समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर हाइट के ऊपर बनी हुई है। उसके अलावा जो मानसून ट्रफ है जो कि बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सिद्धि, डाल्टनगंज, कैनिंग और होता हुआ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है। उसके अलावा जो एक सिस्टम है शियर जोन जो कि 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है जो कि समुद्र तल से 4.5 से 7.6 किलोमीटर हाइट के बीच में बना हुआ है। तो इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज उड़ीसा में फिर से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहने की संभावना है। डे वन में जो नुआपाड़ा, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी यहाँ आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा कलाहांडी, बलांगीर, कंधमाल, सोनपुर, बोध, बालगढ़, झारसुगड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, नयागढ़, कटक इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेस में हो सकती है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 25 तारीख को भी कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके अलावा पुरी, खुर्दा, नयागढ़, ढेंकनाल, अनुगुल, बोध, सोनपुर, कंधमाल, बलांगीर, बारगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल एक दो स्थान पर होने की संभावना जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 26 तारीख को साउथ उड़ीसा और नवरंगी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा भी कई जो येलो कलर देख रहे हैं साउथ उड़ीसा का पूरा और कटक, जगतसिंहपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट जो पूरी खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे फोर में सुंदरगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी और डे फाइव 28 तारीख को कटक, केंद्र, जगतसिंहपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की वजह से।